हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप देख रहे हैं माय चॉइस प्रॉपर्टी। आज मैं पंसिल ग्रीन्स 2 के अंदर आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं टावर नंबर E6 के बारे में, जो कि माई वन के अंदर बना रहे हैं और जिसके अंदर 2BHK का फ्लैट आ जाता है, एक साल में पोजीशन दे रहे हैं। फुल डिटेल के साथ जानने वाले हैं उसी चीज़ के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये हमारा मेन गेट हो गया और फ्रंट में मार्केट आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ से आप निकलेंगे राइट लेकर के सीधा जाएंगे तो एक मूर्ति गोल चक्कर पे सीधे आप निकल जाते हैं। लोकेशन काफ़ी शानदार आती है, नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन आ जाती है। सोसाइटी आपको रेडी टू मूव देखने को मिल जाती है, ए टावर से लेकर के E5 तक पूरे सारे के सारे टावर आपको रेडी टू मूव देखने को मिल जाते हैं। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम वगैरह सारी अमेनिटीज आपको रेडी देखने को मिल जाती है। रजिस्ट्री से लेकर के लोन से लेकर के सारी चीज़ें ओके देखने को मिल जाती हैं। SBI से लेकर के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, सारे बैंक अप्रूव्ड हैं और रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है इसकी। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इस सोसाइटी के अंदर एक और प्लस पॉइंट आ जाता है, 2 क्लब हाउस एंड 2 स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं क्लब हाउस और स्विमिंग पूल, एक क्लब हाउस और स्विमिंग पूल रेडी देखने को मिल जाते हैं और बाकी दूसरा फिनिशिंग स्टेज पे काम चल रहा है। अगर हम पार्क की बात करते हैं, 2.5 एकड़ के अंदर पूरा पार्क डेवलप किया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छा पार्क बना रखा है। जैसा कि आप देखेंगे काफ़ी प्रीमियम फील आने वाला है इसके अंदर। टावर E6 के अंदर अगर हम जाते हैं तो माई वन के अंदर ये फ्लैट लेकर के आए हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा टावर आपको माई वन के अंदर देखने को मिल जाता है। 1060 स्क्वायर फीट का साइज आता है। लोडिंग काफ़ी कम देखने को मिलेगी, कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा निकल कर के आया है। इसके अंदर जो बेडरूम के साइज हैं, सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी आपको प्रीमियम देखने को मिल जाती हैं। एंड ये आप देखेंगे, ये फाउंटेन एरिया आपको देखने को मिल जाता है। और ये सामने देखेंगे जो ग्रीन कलर की पट्टी है, ये हमारा E6 टावर आ जाते हैं। E1 और E5 का अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, अभी पोजीशन देना स्टार्ट किया है। टाटा ग्रुप इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो अब आइए हम चलते अपने टावर E6 की तरफ और क्या क्या अवेलेबलिटी है, क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, क्या रेट आते हैं, वो सारा कुछ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपको फाउंटेन एरिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर सोसाइटी के अंदर आपको हाई रेज अपार्टमेंट एंड डोप्लेक्स विला भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर विला की भी कैटेगरी लेकर के आए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। 2 साइड ओपन ये हमारा प्लॉट आ जाता है, 2 तरफ से एंट्री और एग्जिट आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप विला देख रहे हैं, रेरा रजिस्टर्ड आप विला देख रहे हैं, तो ये आपको विला भी देखने को मिल जाते हैं। रजिस्ट्री वाले विला आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि 8 अप्रूव्ड हैं। तो ये आप देखेंगे, ये विला का कुछ फ्रंट का एलिवेशन स्टैक का आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2BH से लेकर के 3BH तक के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का लेआउट आ जाता है। E6 टावर पे हम आ चुके हैं, तो ये आप देखेंगे ये हमारा कुछ टावर इस टाइप का आ जाता है। डबल हाइट के आपको एंट्री लॉबी देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लॉबी बनाई है हमने, तो ये आपको देखने को मिल जाती है। एंटर करते ही आपको डबल हाइट की सीलिंग के साथ आपको लॉबी देखने को मिलेगी, एकदम प्रीमियम वाला लुक आने वाला है इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं माई वन के अंदर ये सोसाइटी बना रखी है हमने, देखेंगे डबल हाइट की आपकी लॉबी हो गई, ये आपका रिसेप्शन एरिया हो गया, ये वेटिंग रूम हो गया। तो इस टाइप की आपको लॉबी देखने को मिलेगी। अब जो जितने भी माई वन के टावर बने हैं सबों में आपको डबल हाइट की लॉबी देखने को मिल जाएगी। ये आपका मीटिंग रूम आ जाता है, अगर आप किसी गेस्ट को ऊपर बुलाना नहीं चाहते हैं, कोई भी आता है नीचे से आप भेजना चाहते हैं तो मीटिंग करके मीटिंग रूम बनाया हुआ है, वहाँ से आप भेज सकते हैं। ये हमारा लॉबी एरिया आ जाता है एंड ये हमारी टावर लॉबी आ जाती है। पूरा ग्राउंड फ्लोर पे ओपन एरिया आपको देखने को मिलने वाला है एंड ये सामने आप देखेंगे लिफ्ट एरिया आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर आपको 3 लिफ्ट देखने को मिल जाती हैं और एक फ्लोर पे आपको 8 अपार्टमेंट मिल जाएंगे, 24 फ्लोर की हाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो आइए चलते अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। ये हमारा लेआउट आ जाता है 1060 स्क्वायर फीट का एंड आप देखेंगे बिल्कुल सेम इसी टाइप का आपको फ्लैट होकर के मिलने वाला है। टाइल्स भी आप देखेंगे प्रीमियम वाला लुक आने वाला है, टाइल्स भी एक प्रीमियम क्वालिटी की लगाई है। डोर की आप हाइट देखेंगे, डोर किस टाइप का बना करके दे रहे हैं, प्रीमियम लुक आने वाला है, बिल्कुल प्रीमियम वाली चीज़ें आपको बना करके दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं।
एंटर करते आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस, प्रॉपर ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस की बात करते हैं तो 15x10 का आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है अटैच बालकनी के साथ। अगर किचन की बात करते हैं 7x6 का आपका किचन आ जाएगा। एल शेप में आपकी स्लेप आ जाती है। यूटिलिटी के लिए बालकनी दी हुई है तो बालकनी भी आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉपर आपका ड्राइंग रूम हो गया, प्रॉपर डाइनिंग एरिया हो गया, प्रॉपर आपका किचन एरिया आ जाता है। तो ये लोडिंग काफ़ी कम दी हुई है, 1060 स्क्वायर फीट के अंदर काफ़ी अच्छा लेआउट निकाला हुआ है। प्रॉपर ड्राइंग रूम, प्रॉपर डाइनिंग के साथ आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर कॉमन वॉशरूम के साइज़ की बात करते हैं 5x7 का आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। टाइल्स और फिटिंग्स देखेंगे एक प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती हैं। यह हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। फर्स्ट बेडरूम के साइज की बात करते हैं 10x12 का आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाएगा अटैच बालकनी एंड अटैच कवर्ड के साथ। तो कुछ इस टाइप का आपको फर्स्ट बेडरूम आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। बालकनी से आपको विला वाला व्यू आएगा और पार्क का व्यू भी देखने को मिल जाता है। टू साइड फेसिंग में आपको यूनिट मिल जाती है। मॉर्निंग की सनलाइट मिलेगी, सेकंड हाफ की सनलाइट आती है। दोनों तरफ आपको धूप देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। आइए चलते सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। सामने आप एंटर करते हैं, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गई, कॉमन वॉशरूम हो गया, फर्स्ट बेडरूम हो गया। अब हम चलते अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो आप ये देखेंगे मास्टर बेडरूम आ जाता है। 10x15 का साइज आपको मास्टर बेडरूम का देखने को मिल जाता है। 10x15 इतना बड़ा 2BHK के अंदर कहीं भी आपको बेडरूम का साइज देखने को नहीं मिलेगा। अगर वॉशरूम के साइज की बात करते हैं 7.5x5 का आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। एक प्रीमियम वाली टाइल्स लगा करके दे रहे हैं, प्रीमियम वाली फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। लोकेशन शानदार आ जाती है, चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। MY1 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। स्ट्रक्चर कंप्लीट है, 1 साल के अंदर इसका पोजीशन दे रहे हैं, पोजीशन नियर बाय आ जाता है। अगर हम प्राइजिंग की बात करते हैं 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। इसके अंदर भी नेगोशिएशन देखने को मिल जाता है। ऑल इंक्लूसिव रेट बता रहा हूँ, GST वगैरह सारे चार्जेस इंक्लूड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील आती है। दिए गए नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। एक बार आप साइट विजिट प्लान करेंगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लोकेशन काफ़ी शानदार है, सोसाइटी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ कह रही हो, स्क्रीन पर नंबर से रखा है, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेट को लेकर के, यूनिट को लेकर के सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।